दिल्ली में दिन दहाड़े फिर लगा देश के गद्दारों को गोली मारने वाला नारा। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर नारे लगा रहे 6 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजधानी दिल्ली के बाद उत्तर पूर्व के राज्य मेघालय में नागरिकता कानून पर हिंसा भड़की। एक शख्स की मौत के बाद शिलोंग और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू। 6 जिलों में इंटरनेट और SMS सेवा भी बंद। हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी इलाके में हालात में तेजी से सुधार। सब्जी, दूध और दवा की दुकानें खुली, सड़कों पर आवाजाही भी शुरू हुई। अब तक हिंसा में 43 लोगों की मौत, 630 लोग गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, छात्र नेता उमर खालिद और अनर्बन भट्टाचार्य पर देशद्रोह का केस चलाने की मंजूरी दी। कन्हैया कुमार और उमर खालिद फैसले से खुश, कहा अदालत में सच्चाई सामने आएगी। GDP की सुस्त रफ्तार बरकरार, तीसरी तिमाही में विकास दर 4.7% रही, जनवरी में कोर सेक्टर में ग्रोथ 2.2% बढ़ी। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी, मरने वालों का आंकड़ा 3000 के करीब पहुंचा। पाकिस्तान में डिजिटल सेंसरशिप पर गूगल और फेसबुक भड़के, कहा यही हालात रहे तो देश छोड़ देंगे। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, पाकिस्तान के बजाय दुबई में खेला जाएगा एशिया कप। एशिया कप में भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की पहली पारी 242 रन पर सिमटी। दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने बिना विकेट गवाए 63 रन बनाए। और ICC महिला T20 वर्ल्ड कप के लगातार चौथे मैच में भारत की जीत, श्रीलंका को 7 विकेट से हराया।